सो फर्स्ट वर्ड है कूड़े का तसला। इसे हम कूड़े का तसला कहते हैं, इस पे कूड़ा बटोरा जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है डस्ट पैन, और ये कचरे का डिब्बा, इसमें कूड़ा डाला जाता है। तो कचरे के डिब्बे या कूड़े के डिब्बे को इंग्लिश में कहा जाता है डस्टबिन, या आप बोल सकते हो ट्रैश कैन, या आप बोल सकते हो गार्बेज कैन। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है कूड़े की थैली, इसे डस्टबिन में लगाया जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बिन लाइनर, या आप बोल सकते हो गार्बेज बैग, या आप बोल सकते हो ट्रैश बैग, तीनों ही नाम से इसे जाना जाता है। और ये झाड़ू, जिससे आप जमीन पे झाड़ू लगाते हो, तो झाड़ू को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रूम। नेक्स्ट है ये, इसे कहा जाता है सीके वाली झाड़ू, इससे धुलाई की जाती है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोकोनट ब्रूम स्टिक, या आप बोल सकते हो कोकोनट ब्रूम। नेक्स्ट है ये, इसे हम कहते हैं पोछा, जिससे फर्श पर पोछा लगाया जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है मॉप। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है मज्जक, ये भी सफाई करने में काम में आता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लंजर। प्लंजर मतलब मज्जक। और नेक्स्ट है ये, इसे कहा जाता है टॉयलेट ब्रश, और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहेंगे टॉयलेट क्लीनर। नेक्स्ट है ये, इस तरीके की मशीन को कहा जाता है इंग्लिश में वैक्यूम क्लीनर, और ये मशीन कालीन में से धूल हटाकर साफ कर देती है। नेक्स्ट वर्ड है जूना, जिससे आप बर्तन मांजते हैं, कुछ इस तरीके का होता है। इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्टील वुल। स्टील वुल मतलब जूना। और ये लिक्विड जो देख रहे हैं आप, इससे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं, तो इस लिक्विड को कहा जाता है इंग्लिश में डिश वॉशिंग लिक्विड, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्तन पोछने की तौलिया, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डिश टाउल। डिश टाउल मतलब बर्तन पोछने की तौलिया। और ये ब्रश जो देख रहे हैं आप, इससे बॉटल धोई जाती है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बॉटल ब्रश। नेक्स्ट है बाल्टी। बाल्टी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बकेट, या आप बोल सकते हो पेल। पेल भी बोला जाता है और बकेट भी बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप प्लास्टिक का, इसे कहा जाता है प्लास्टिक टब। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में प्लास्टिक मग। और नेक्स्ट है लेजम। लेजम का भी बहुत यूज होता है जब हम सफाई वगैरह करते हैं, तो लेजम को कहा जाता है इंग्लिश में होज। होज मतलब लेजम। और लेजम को जिससे कनेक्ट किया जाता है, उसे हम नल कहते हैं। वैसे नल को इंग्लिश में कहा जाता है फॉसेट, या आप बोल सकते हो टैप। नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, दस्ताने रबड़ के, इसे हम पहनते जब हम कोई चीज धोते हैं सफाई करते वक्त, तो इन दस्तानों को इंग्लिश में कहा जाता है रबर ग्लव्स। नेक्स्ट है सरफ। सरफ भी एक क्लीनिंग आइटम है, जिससे कपड़ों को धोया जाता है, तो सरफ को इंग्लिश में कहा जाता है वॉशिंग पाउडर, या आप बोल सकते हो लॉन्ड्री डिटर्जेंट, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। और ये कपड़े रखने की टोकरी, जिसमें बिना धुले हुए कपड़े रखे जाते हैं, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ड्री बास्केट। और ये मशीन जो देख रहे हैं आप, कपड़े धोने वाली, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वॉशिंग मशीन, या आप वॉशर भी बोल सकते हो। और ये मशीन जो देख रहे हैं आप, ये कपड़े सुखाने का काम करती है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्लोथ्स ड्रायर, या आप ओनली ड्रायर भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है चिथरा। चिथरा एक साफ करने के लिए पुराना कपड़ा होता है, जिससे सफाई की जाती है, तो चिथरा को इंग्लिश में कहा जाता है रैग। रैग मतलब चिथरा। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे झाड़ने के लिए यूज किया जाता है डस्ट वगैरह को, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है फी द डस्ट। फी द डस्ट। नेक्स्ट है घिसने वाला ब्रश। ये घिसने के काम में आता है, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रब ब्रश। स्क्रब ब्रश, या आप बोल सकते हो स्क्रबिंग ब्रश। और ये शॉर्ट हैंडल वाला जो देख रहे हैं आप, इससे विंडो वगैरह साफ की जाती है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वीजी। और ये लॉन्ग हैंडल वाला जो देख रहे हैं आप, इससे जमीन वगैरह साफ की जाती है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वीजी मॉप। और ये जो देख रहे हैं आप, ये कुछ धोने या साफ करने के लिए काम में आता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्पंज। नेक्स्ट है रंग करने का ब्रश। इसे रंग करने का ब्रश कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेंट ब्रश। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे शीशे वगैरह साफ किए जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लास क्लीनर। और नेक्स्ट है ये, इसे फर्श वगैरह साफ किया जाता है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्लोर क्लीनर। नेक्स्ट है प्रक्षालक। प्रक्षालक से हैंड वगैरह साफ किए जाते हैं, तो प्रक्षालक को इंग्लिश में कहा जाता है सैनिटाइजर। नेक्स्ट है रद्दी कागज रखने की टोकरी। इसे कहा जाता है इंग्लिश में वेस्ट बास्केट, या आप बोल सकते हो वेस्ट पेपर बास्केट। एंड द लास्ट वन इज सीढ़ी। इस सीढ़ी का भी यूज किया जाता है जब हम घर की सफाई वगैरह करते हैं तब, तो इस सीढ़ी को कहा जाता है इंग्लिश में स्टेप लैडर,
ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में मुझे इसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखे 30+ क्लीनिंग टूल्स, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।